तो बड़ी खबर मैं आपको बता दें कि आज से नहीं सुनाई देगी अमिताभ बच्चन वाली आवाज। फोन करने पर अब आपको अमिताभ बच्चन की आवाज नहीं सुनाई देगी। अमिताभ बच्चन की आवाज वाली कोरोना कलर ट्यून अब आपको नहीं सुनाई देगी, तो वही नई आवाज में होगा यह संदेश। अमिताभ बच्चन की आवाज वाली कलर ट्यून हटाने को लेकर हाल ही में कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें अपील की गई थी कि कलर ट्यून अमिताभ की जगह रियल कोरोना वायरल की आवाज होनी चाहिए। तो आज से आपको मोबाइल पर फोन पर कॉल से पहले अमिताभ बच्चन की आवाज में कोविड कलर ट्यून नहीं सुनाई देगी, बल्कि आज से कॉल करने पर कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी कलर ट्यून जसलीन भल्ला की आवाज को सुनने को मिलेगी। ये कलर ट्यून हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सुनाई देगी। इसमें टीकाकरण को लेकर एक संदेश दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज से आपको अमिताभ बच्चन की आवाज कॉल करने पर सुनाई नहीं देगी। पिछले कुछ समय से जब हम किसी को भी फोन करते तो इसमें सबसे पहले एक्टर अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन अब उनकी जगह जसलीन भल्ला की आवाज सुनाई देगी। दरअसल अमिताभ बच्चन की आवाज वाली कलर ट्यून हटाने को लेकर हाल ही में कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें अपील की गई थी कि कलर ट्यून अमिताभ की जगह रियल कोरोना वायरस की आवाज होनी चाहिए। अब हम आपको बता दें कि कौन है जसलीन भल्ला। दिल्ली यूनिवर्सिटी के खालसा कॉलेज से ग्रेजुएट जसलीन भल्ला एक जानी मानी वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। बिग बी से पहले भी जिनकी आवाज़ में हम कोरोना कलर ट्यून सुनते थे वो जसलीन की ही थी। इसके अलावा जसलीन मेट्रो में भी अपनी आवाज़ दे चुकी हैं। मेट्रो में जो आप सुनते हैं दरवाजे बाईं ओर तो खुलेंगे, ये उनकी ही आवाज़ है। तो अब जसलीन ने स्पाइस जेट में भी अपनी आवाज़ दे चुकी हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज से नहीं सुनाई देगी अमिताभ बच्चन की आवाज़ वाली कोरोना की कलर ट्यून। अब नई आवाज़ में होगा यह संदेश।